हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सिविक्स पोर्शन ऑफ सोशल स्टडीज, दैट इज चैप्टर 2, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट डेमोक्रेसी इज द काइंड ऑफ गवर्नमेंट विच इज फॉर्म्ड बाय पीपल। हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, हमने पढ़ाई है कि डेमोक्रेसी एक उस तरह की गवर्नमेंट होती है जिसको बनाया जाता है लोगों के द्वारा। टुडे डेमोक्रेसी प्ले अ मेजर रोल इन द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, और यही डेमोक्रेसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है स्टेट के वेलफेयर में, स्टेट की भलाई में। बट इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट, लेकिन एक डेमोक्रेटिक स्टेट में पीपल डू नॉट गवर्न डायरेक्टली, लोग डायरेक्टली गवर्न नहीं करते हैं, एज दे डायरेक्टली गवर्न द कंट्री थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव। और वो डायरेक्टली गवर्न करते हैं कंट्री को अपने द्वारा चूज किए गए रिप्रेजेंटेटिव या कह सकते हैं कैंडिडेट के द्वारा, बाय अ मेथड ऑफ इलेक्शन। और चूज कैसे करते हैं, इलेक्शन के द्वारा चुनाव करते हैं अपने डिजायर्ड रिप्रेजेंटेटिव को। एंड दीज इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी, और ये इलेक्शन होती हैं, कंडक्ट की जाती हैं इंडिपेंडेंट एजेंसीज के द्वारा। Therefore, general election play a virtual role in democracy. इस तरह से जो general election होते हैं वो virtual role play करती है democracy में या democratic government में। Now, the representative democracy can be defined as a system by which, अब एक representative democracy, ठीक है, representative मतलब representative या candidate के द्वारा बनाई गई democracy, ठीक है, कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम, इसको ऐसे सिस्टम में डिफाइन कर सकते हैं बाई विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसमें क्या होता है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, मीन्स वोट देते हैं, बाई एक्सरसाइजिंग देयर राइट टू वोट, ठीक है, अपने वोट के अधिकार को एक्सरसाइज करके, मीन्स अपने वोट के अधिकार को करके इन द इलेक्शन, इलेक्शन में, ठीक है, अपना वोट देते हैं और उन्हें लगता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव सबसे अच्छा है और जिसे बनना चाहिए और जिसे गवर्नमेंट चलानी चाहिए, तो उसको वोट देते हैं, तब क्या होता है, उसकी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करते हैं ना, उसके बाद रूल करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को चलाते हैं ना। द रिप्रेजेंटेटिव बिकम द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर आफ्टर बीइंग इलेक्टेड। अब वो रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर का पार्ट बन जाते हैं जब वो इलेक्ट हो जाते हैं, जब उन्हें मेजॉरिटी वोट मिलते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव बिकम द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर आफ्टर बीइंग इलेक्टेड, द लेजिस्लेचर मेक्स लॉ एंड कीप्स कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। अब लेजिस्लेचर का क्या काम है, वो लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं और कंट्रोल रखते हैं ओवर एग्जीक्यूटिव्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक एट वार्ज, क्योंकि वो क्या है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। दैट इज वाई द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हैज अ मेजर रोल प्ले इन द वर्किंग ऑफ अ गवर्नमेंट। इसीलिए जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ठीक है, वो एक मेजर रोल प्ले करती है वर्क गवर्नमेंट की वर्किंग में। इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी, पहले ही पढ़ा कि इलेक्शन इंडिपेंडेंट एजेंसीज के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, विच कंडक्ट फेयर इलेक्शन इन इंडिया, जिसके द्वारा एक फेयर इलेक्शन, ठीक है, होता है इंडिया में, इज कॉल्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और कौन सी एजेंसी होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यही इलेक्शन कंडक्ट करवाती हैं इंडिया में। नाउ द चीफ इलेक्शन कमीशन हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट, और जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो उनका चुनाव प्रेजिडेंट के द्वारा होता है, ठीक है, वो अपॉइंट करते हैं प्रेजिडेंट। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। अब ये इलेक्शन कमीशन इंडिया की कंडक्ट कराते हैं इलेक्शन, कौन से, लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, एंड लोकल बॉडीज लाइक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड जिला परिषद एटसेट्रा। मीन्स ये क्या कराते हैं, इलेक्शन करवाते हैं, चाहे वो लोकसभा हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, चाहे लोकल बॉडीज जैसे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो या फिर जिला परिषद का। नाउ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये क्या होता है, इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक स्टेट में एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू वोट। सभी सिटीजन्स को, माने सभी इंडिविजुअल्स को, सभी नागरिकों को ये राइट होता है, अधिकार होता है वोट करने का, विच इज कॉल्ड फ्रेंचाइज, जिसे कहते हैं फ्रेंचाइज। एंड दिस राइट टू फ्रेंचाइज गिवन टू ईच सिटीजन ऑफ द कंट्री, और ये राइट हर एक इंडिविजुअल को, हर एक नागरिक को दिया जाता है कंट्री के, इफ ही हैज अटेन्ड अ मिनिमम प्रिस्क्राइब एज, अगर उस व्यक्ति ने मिनिमम जो दी गई एज है वो
उस एज ग्रुप का है तो, मतलब 18+ है तब वो राइट टू वोट है उसके पास, ठीक है, मीन्स वो राइट अब कर सकता है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसी सिस्टम को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। दिस इज अ यूनिवर्सल काइंड ऑफ राइट। ये यूनिवर्सल काइंड ऑफ राइट है, मीन्स ये हर जगह लागू होता है। विच इज गिवन टू ईच सिटीजन, जो हर एक सिटीजन को दिया जाता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह के भेदभाव ना करके। ऑफ कास्ट, जो भेदभाव होता है कास्ट से रिलेटेड, क्रीड, सेक्स एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, मतलब जो 18 अबव हैं उन नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। यही है हमारी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ फेयर इलेक्शन इन अ कंट्री। और यही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ठीक है, ऑफ फेयर इलेक्शन की, जिससे एक फेयर इलेक्शन होता है कंट्री में। एज फार एज इंडिया सिनारियो इज कंसर्न्ड, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज द बेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्योंकि इंडिया का सिनारियो कंसर्न्ड है, दैट मीन्स यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉलो होती है, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, बेस है इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। नाउ ऑल इंडियन सिटीजन्स हु हैव अटेंड द एज ऑफ 18 हैज द राइट टू वोट। अब जितने भी इंडियन सिटीजन हैं जिन्होंने 18 अबव, ठीक है, एज अटेन कर लिए, दैट मीन्स 18 अबव हो गए हैं वो, अब उनके पास ये राइट आ जाता है कि वो वोट कर सकते हैं, एक्सेप्ट। अब किन लोगों के अलावा, जैसे कि डिक्लेयर्ड क्रिमिनल्स, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, मीन्स अनसाउंड माइंड्स मीन साइकोपैथ्स जो होते हैं, एंड दिवालिया। तो जितने भी इस तरह के लोग हैं उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, मीन्स इनको वोटिंग की राइट नहीं होती है। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज दैट वन पर्सन कैन कास्ट ओनली वन वोट। अब जो दूसरा एस्पेक्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, वो ये है कि एक व्यक्ति एक वोट दे सकता है, मीन्स एवरी सिटीजन इज इक्वल विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मीन्स हर एक सिटीजन, हर एक नागरिक बराबर है हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, कलर, इकोनॉमिक स्टेटस। इन अ डेमोक्रेसी द राइट टू इक्वालिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर विच कांट बी इग्नोर्ड एट ऑल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में या डेमोक्रेसी में कह सकते हैं राइट टू इक्वालिटी सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे कह सकते हैं महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसको कभी भी इग्नोर या नकारा नहीं जा सकता। सभी को इक्वालिटी मिलती है थ्रू राइट टू वोट, क्योंकि वन वोट इज इक्वल्स टू वन वैल्यू। नाउ जनरल इलेक्शन, इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव का, जिन्हें वो चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट रन करे, ठीक है, उसे चुनते हैं विद द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के प्रोसेस के द्वारा। सो इलेक्शंस आर वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसीलिए कहते हैं कि इलेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। इन इंडिया द इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, आर हेल्ड अफ्लिक्स 5 ईयर्स। इंडिया में इलेक्शन लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, दैट मीन्स विधानसभा, हर 5 साल में होते हैं इनके इलेक्शन। दीज इलेक्शन आर नोन एज जनरल इलेक्शन। इन इलेक्शन को जनरल इलेक्शन कहा जाता है। इफ अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबल डाइज, अगर कोई मेंबर लोकसभा का या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है और रिजाइन, या फिर वो रिजाइन कर देता है इन द मिड टर्म ऑफ द हाउस, अगर सेशन का मिड टर्म चल रहा है, मीन्स 5 साल के अंदर 2-3 साल में ही वो रिजाइन करना चाहता है, या उसकी किसी रीजन से डेथ हो गई है, तो देन द इलेक्शन इज अगेन हेल्ड टू फिल कंस्टिट्यूएंसी। तो उस वेकेंट प्लेस को, उस खाली स्थान को फिर वहां पे कोई कैंडिडेट लाने के लिए फिर से इलेक्शन होते हैं। दीज इलेक्शंस विच आर हेल्ड इन द मिड टर्म, अब जो साल के बीच में, मीन्स 5 साल के अंतर्गत जो इलेक्शन किए जाते हैं, आर नोन एज बाई इलेक्शन। इनको या तो फिर बाई इलेक्शन कहते हैं या फिर मिड टर्म पोल कहते हैं। द पर्सन इलेक्टेड इन बाई इलेक्शन कैन होल्ड द सीट इन द रिमेनिंग टेन्योर। अब जो पर्सन इलेक्ट किया जाता है इस बाई इलेक्शन में, वो जब तक 5 साल नहीं हो जाते हैं, मान लीजिए जितने भी रिमेनिंग ईयर्स रहते हैं, वो उतने दिन तक, ठीक है, अपना रोल प्ले करता है ऑफ द हाउस ओनली।
सो ही कांट रिमेन मेंबर ऑफ फुल टेन्योर ऑफ 5 ईयर. ये अगले 5 साल तक नहीं बनते हैं. जितने मान लीजिए 5 साल का था, 2 साल में ही उस मेंबर की डेथ हो गई है, तो दूसरा इलेक्शन हुआ, उन्होंने दूसरे मेंबर को इलेक्ट कर लिया. अब वो बचे हुए 3 साल अपना गवर्नमेंट रन करेगा, ठीक है, अपनी जो उसकी रोल है उसको प्ले करेगा, क्लियर. और उसके बाद फिर से इलेक्शन होंगे फॉर 5 ईयर्स. नाउ समटाइम्स व्हेन द रूलिंग पार्टी लॉस्ट इट्स मेजोरिटी, कभी कभी होता यह है कि जो रूलिंग पार्टी होती है, जो रूल कर रही होती है उस टाइम पे, वो पार्टी अपनी मेजोरिटी खो देती है इन द हाउस. देन द प्रेजिडेंट मे एडवाइज द प्राइम मिनिस्टर टू डिजॉल्व द हाउस. तो प्रेजिडेंट एडवाइस दे सकते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को कि उस हाउस को डिजॉल्व कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स. इंतज़ार नहीं करने के लिए कि 5 साल का इंतज़ार करें उससे पहले कि वो पार्टी को डिजॉल्व कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी नहीं रहती. वेन एवर सच इलेक्शंस आर हेल्ड बिफोर द फुल टर्म्स, और जब भी ऐसे इलेक्शन होते हैं 5 साल के पहले ही ऑफ द हाउस एंड कॉल्ड मिड टर्म इलेक्शन, उसको कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन. एक्चुअली देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन जनरल इलेक्शन, इस जनरल इलेक्शन में दैट आर हेल्ड बिफोर द टाइम, जिनको पहले किया जाता है, जैसे मान लीजिए 5 साल कंप्लीट हुआ उसके बाद हमने दोबारा इलेक्शन देखा, ठीक है, वो हो गया हमारा जनरल इलेक्शन. बट द मेंबर्स इलेक्टेड इन दीज इलेक्शन रिमेन मेंबर्स फॉर नेक्स्ट ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स. मतलब मान लीजिए किसी पार्टी ने मेजोरिटी खो दी, तो प्रेसिडेंट ने एडवाइस दिया प्राइम मिनिस्टर को कि वो पार्टी डिजॉल्व होगी, तो फिर से इलेक्शन होगा जिसको मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं. अब ये जो इलेक्शन होगा, दोबारा जो कैंडिडेट इलेक्ट होंगे, जो रूलिंग पार्टी आएगी, वो 5 साल तक करेगी रूल, क्लियर. नाउ सीक्रेट बैलेट, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री सिटीजन शुड हैव द राइट टू वोट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव. एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जैसे कि इंडिया है, सिटीजन्स के पास मीन्स नागरिकों के पास ये राइट होता है कि वो वोट दें टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करें विदाउट एनी इंटरफेरेंस, और उनको कोई बोलेगा नहीं कि आपको इसी व्यक्ति को वोट देना है, उनकी जो विल है वो उन्हें वोट देते हैं, ठीक है. जब भी वोट करते हैं तो आपके ऊपर होता है कि आप किसे वोट देंगे, ठीक है, कोई और आपको नहीं बताएगा, तो इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होती. ऑन देयर फ्रीडम टू इलेक्ट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रीडियंट ऑफ अ, जो फ्रीडम दी जाती है इलेक्शन के लिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रीडियंट होती है ऑफ अ डेमोक्रेसी, दैट अ पर्सन कैन कास्ट हिज वोट टू इलेक्ट हिज लीडर सीक्रेटली. तो इसमें क्या होता है कि डेमोक्रेसी में एक पर्सन को वोट होता है, राइट होता है कि वो वोट करे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करे सीक्रेटली. ऑन एवरी पोलिंग वोटिंग इज डन इन अ मैनर इन विच पीपल गिव देयर वोट सीक्रेटली इन एन इनक्लोज्ड स्पेस. हर पोलिंग वोटिंग में क्या होता है कि इस तरह से लोग वोट देते हैं सीक्रेट वे में, ठीक है, इन एन इनक्लोज्ड स्पेस, एक स्पेस दी जाती है, उन्हें प्रोवाइड की जाती है और वो वहाँ पर इलेक्ट करते हैं. इन इंडिया एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू कास्ट अ सिंगल वोट ओनली. इंडिया में हर एक नागरिक को एक ही वोट डालने का अधिकार है. एंड ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू टेल एनीबडी, और उन्हें बताने की जरूरत नहीं है किसी को हुम ही हैज़ गिवन हिज वोट, किसे उन्होंने वोट दिया है. एज ही हैज़ द राइट टू कीप इट एज सीक्रेट, क्योंकि उन्हें अधिकार होता है कि वो ये इस बात को गोपनीय रखें. नाउ पोलिंग स्टेशंस, इट इज़ अ लैंड ऑफ enclosed स्पेस हैविंग adequate सिक्योरिटी ऑफ पुलिस. पोलिंग स्टेशन ये एक ऐसा प्लेस है, ठीक है, जहाँ पे सिक्योरिटी दी जाती है पुलिस के द्वारा. ऑल अराउंड व्हेन द वोटर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, पूरी जगह पे सिक्योरिटी रहती है पुलिस की, ठीक है, वोटर्स के अराउंड जहाँ पे भी वोटिंग हो रही है, जिससे कि वो किसी कैंडिडेट को वोट दे सकें. व्हेन अ पर्सन गोज टू कास्ट हिज वोट, जब एक पर्सन कोई इंडिविजुअल जाता है वोट देने के लिए, ही हैज़ टू शो हिज आइडेंटिटी कार्ड, वहाँ उन्हें अपनी आईडी कार्ड दिखानी पड़ती है एट्सेट्रा. देन देयर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, फिर वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रखी होती है विच कंटेन द सिम्बल्स ऑफ ऑल कंसर्न कैंडिडेट, जहाँ पे सारे सिम्बल दिए होते हैं सभी कैंडिडेट्स के. द पर्सन चूज और सेलेक्ट द कैंडिडेट ऑफ हिज चॉइस, वहाँ से जो वोट देने गए हैं वहाँ से वो चूज़ करते हैं कि किसे वोट देना है. एंड प्रेस द बटन अगेंस्ट द सिम्बल, और सिम्बल जहाँ पे दिया होता है उस कैंडिडेट का, उसके बगल में बटन दिया रहता है, वहाँ पे वो प्रेस करते हैं उस बटन को. ही हैज सेलेक्ट आफ्टर अ बीप द वोटिंग इज कंसीडर्ड कम्प्लीट, और उसके बाद एक बीप साउंड सुनाई देती है और तब ये कंसीडर हो जाता है कि वोटिंग कम्प्लीट हो गई आपकी. नाउ एज टूडे द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM आर बींग यूज, आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दैट मीन्स EVM यूज किए जाते हैं इलेक्शन में, ठीक है, टू कास्ट वोट.
दैट इज हाउ द इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रेजुडाइस। इसीलिए किसी भी तरह का एनफोर्समेंट के अलावा जो लोगों की विल है वो उसके अकॉर्डिंग चूज करते हैं अपने कैंडिडेट्स। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन एन इलेक्शन, द इलेक्शंस आर द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। इलेक्शन एक एक्सटर्नल पार्ट है डेमोक्रेटिक सिस्टम में। इन इंडिया वॉट एवर अ न्यू लोकसभा और स्टेट असेंबली इज टू बी इलेक्टेड और इलेक्शंस आर टू बी कंडक्ट। अब लोकसभा में या स्टेट असेंबली में जो भी इलेक्शन होने हैं, ठीक है, इट्स प्रोग्राम इज डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये प्रोग्राम डिसाइड किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर। अब ये प्रोसेस कैसे होते हैं देखिए, अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट्स, सेलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, नॉमिनेशन एंड सिक्योरिटी। मीन्स कह सकते हैं अनाउंसमेंट होती है पहले इलेक्शन डेट्स की, कब इलेक्शन होने हैं, सेलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, कौन से कैंडिडेट उस पर्टिकुलर इलेक्शन में नॉमिनेटेड हैं, ठीक है, नॉमिनेशन एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट कैसा है, नॉमिनेशन करते हैं, अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स, उसके बाद सभी कैंडिडेट्स को सिंबल प्रोवाइड किया जाता है, इलेक्शन मैनिफेस्टोस, इलेक्शन कैंपेनिंग। नाउ दीज फैक्टर्स ऑफ एन इलेक्शन प्रोसेस कैन बी एज अंडर। अब ये फैक्टर्स जो इलेक्शन प्रोसेस के हैं वो आते हैं। द इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस द डेट फॉर इलेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल होता यह है कि इलेक्शन कमीशन अनाउंस करते हैं किस डेट पे इलेक्शन होने हैं। द प्रेसिडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इशूज द ऑर्डर ऑफ नोटिफिकेशन। सबसे पहले प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ नोटिफिकेशन इशू करते हैं बाय विच ही कॉल्स अपॉन द पीपल ऑफ कंट्री, जिसमें वो लोगों को बुलाते हैं कंट्री के टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, जिससे कि इलेक्ट कर सकें वो रिप्रेजेंटेटिव या कैंडिडेट, ठीक है, जो इलेक्शन के लिए चूज किए जाएंगे, टू कंस्टिट्यूट न्यू लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, जो एज अ कैंडिडेट लोकसभा के लिए और स्टेट असेंबली के लिए खड़े होंगे। द होल प्रोग्राम इज चेक बाय द इलेक्शन कमीशन, और ये जितना भी प्रोग्राम होता है वो चेक किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, जब इलेक्शन हो रहा हो, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज सेलेक्ट देयर कैंडिडेट्स, तो अलग अलग पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी सेलेक्ट करते हैं अपने अपने कैंडिडेट को, हु कैन विन देयर सीट, जो सीट विन कर सकते हैं उनके लिए। द कैंडिडेट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और वो कैंडिडेट इंडिया का नागरिक होना चाहिए। हु इज अ वोटर, जो खुद भी वोटर रह चुके हैं एंड हैज अटेन्ड द एज ऑफ 25 ईयर्स, और 25 ईयर्स उनकी एज होनी चाहिए। एंड ही मस्ट नॉट बी अ गवर्नमेंट सर्वेंट, और वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए। द कैंडिडेट कैन ऑल्सो कंटेस्ट इलेक्शन विदाउट द सपोर्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। कैंडिडेट खुद भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं बिना किसी सपोर्ट के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। सच कैंडिडेट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, और उन कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कहा जाता है। द कैंडिडेट्स फाइल देयर नॉमिनेशन पेपर, इसमें होता यह कि कैंडिडेट फाइल करते हैं अपने नॉमिनेशन पेपर को एंड साइन देम प्रॉपरली, और उसे अच्छी तरीके से साइन कर देते हैं। बिसाइड दैट एवरी कैंडिडेट हैज़ टू डिपॉजिट सम सिक्योरिटी अलॉन्ग विद देयर पेपर, और इसके अलावा उन कैंडिडेट्स को कुछ सिक्योरिटी भी डिपॉजिट करनी पड़ती है अपने पेपर्स के साथ। द कैंडिडेट्स हु कांट सिक्योर 1/6 ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स। अब जो कैंडिडेट 1/6 वोट नहीं पाते हैं वोट्स के, पोल डू नॉट गेट देयर सिक्योरिटी मनी बैक, तो क्या होता है, उनको अपना सिक्योरिटी मनी वापस नहीं मिलता है जो उन्होंने पहले डिपॉजिट कर दिया होता है अलॉन्ग विद द पेपर्स। मान लीजिए उनके वोट्स कम आए तो फिर उनको सिक्योरिटी मनी वापस नहीं मिलेगा। द इलेक्शन कमीशन अलॉट्स द सिम्बल टू ईच कैंडिडेट एंड द सिम्बल्स आर देन प्रिंटेड ऑन द बैलेट पेपर। अब जो इलेक्शन कमीशन क्या करते हैं, अलॉट करते हैं सिम्बल को हर एक कैंडिडेट को, ठीक है, एंड द सिम्बल्स आर देन, और उन सिम्बल्स को तब प्रिंट किया जाता है बैलेट पेपर पे और जेट इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सो दैट इवन द इलिटरेट पीपल हु कांट रीड कैन कास्ट देयर वोट। इससे होता यह है कि जो इलिटरेट या अशिक्षित लोग हैं वो भी अपना वोट दे सकते हैं प्रॉपरली बाय सीइंग दिस सिंबल्स, इन सिंबल्स को देखकर। फॉर कास्टिंग देयर वोट्स द रबिंग स्टैम्प इज यूज्ड बाय द वोटर टू डिपिक्ट हिज चॉइस ऑफ ऑन ईवीएम। अब जब वो कास्ट कर रहे होते हैं वोट, तो रबिंग स्टैम्प का यूज किया जाता है वोटर के द्वारा, जिससे कि वो अपनी चॉइस बता सके ईवीएम को, ठीक है। द नेशनल पार्टीज हैव देयर परमानेंट सिंबल, जो नेशनल पार्टीज होती हैं उनके तो परमानेंट सिंबल होते हैं, एंड अदर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, और जो दूसरी पार्टीज होती हैं, ठीक है,
और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं जो खुद से ही इलेक्शन पे खड़े हैं, ठीक है, आर गिवन सिंबल्स बाय द इलेक्शन कमीशन। इन्हें सिंबल प्रोवाइड किया जाता है बाय इलेक्शन कमीशन, इन्हें इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड करते हैं सिंबल्स। एवरी पार्टी और कैंडिडेट इशूज अ डॉक्यूमेंट फॉर द पब्लिक बिफोर जनरल इलेक्शन। हर एक पार्टी या फिर कैंडिडेट इशू करते हैं एक डॉक्यूमेंट को, किस लिए? पब्लिक पब्लिक के लिए, बिफोर जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होने के पहले। दिस डॉक्यूमेंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ पब्लिक इज कॉल्ड ही इलेक्शन मैनिफेस्टो। अब ये डॉक्यूमेंट पब्लिक के डिस्पोजल के लिए होता है जिसे ही इलेक्शन मैनिफेस्टो कहा जाता है। दिस डिक्लेरेशन कंप्राइजेज द पॉलिटिकल एंड प्रोग्राम्स ऑफ द पार्टी। इसमें, ठीक है, इस डिक्लेरेशन में पॉलिटिकल और प्रोग्राम्स होते हैं पार्टी के, विद व्हेन इट कम्स टू पावर, जब वो पावर में आ जाते हैं। मींस ये लोगों को बताते हैं कि ये काम हम करेंगे, ठीक है, जब वो पावर में आ जाएंगे। इट इज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पब्लिक टू मेक अप देयर माइंड। ये लोगों की कन्वीनियंस के लिए ही बोलते हैं वो, ठीक है, जिससे कि वो अपना माइंड मेकअप कर लें कि किसे वोट देना है, फॉर कास्टिंग देयर वोट ऑफ फेवरेट कैंडिडेट। नाउ सम ऑफ द मेथड्स ऑफ कैंपेनिंग आर, अब कुछ मेथड्स हैं कैंपेन करने की अपने लिए, जो वो कह सकते हैं प्रोमिसेस करते हैं कि हम ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें वो पेपर पे लिख के लोगों को दिखाते हैं, ठीक है, और बताते हैं कि हम ये काम करेंगे अगर वो पावर में आ गए तो। तो कुछ तरीके कैंपेनिंग पढ़ेंगे आप, जैसे कि होल्डिंग द पब्लिक मीटिंग बाय कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स के द्वारा पब्लिक मीटिंग करना, पेस्टिंग पोस्टर्स ऑन द वॉल, वॉल्स पे अपने पोस्टर्स चिपकाना, पुटिंग अप ऑफ लार्ज एंड स्मॉल होर्डिंग ऑन द रोड्स, होर्डिंग लगाना रोड्स पे, कॉर्नर मीटिंग इन द अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज में मीटिंग करना, पुटिंग अप बैनर्स एंड डोर टू डोर अपीयर बाय कैंडिडेट। अब बैनर लेके डोर टू डोर जाना, ठीक है। नाउ रेडियो ब्रॉडकास्ट एंड दूरदर्शन टेलीकास्ट, मीन्स टेलीविजन पे या रेडियो पे भी टेलीकास्टिंग करना। दिस प्रोसेस गोज ऑन अ मैनी डेज, और ये प्रोसेस बहुत दिनों तक चलता है, एंड ओनली स्टॉप्स बिफोर 48 आवर्स ऑफ पोलिंग टाइम, और तब इसको स्टॉप कर दिया जाता है जब 48 आवर्स रिमेनिंग रहते हैं इलेक्शन होने में। द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो फिक्सेज द ड्यूरेशन ऑफ पोलिंग आवर्स। अब जो इलेक्शन कमीशन है वो भी ये भी फिक्स कर देते हैं कि कितने देर तक पोलिंग का काम चलेगा, वोटिंग होगी। एंड द काउंटिंग इज डन इन हाई सिक्योरिटी ऑफ पुलिस, और जब वोटिंग जो हो जाती है उसकी काउंटिंग करनी रहती है वोट्स की, वो हाई सिक्योरिटी में की जाती है, पुलिस की हाई सिक्योरिटी में। द काउंटिंग में स्टार्ट 2 or 3 days और मोर आफ्टर द पोलिंग, ये काउंटिंग स्टार्ट होती है 2 या 3 दिन के बाद या फिर और ज़्यादा दिन के बाद पोलिंग जब हो जाती है वोट्स की। नाउ द इलेक्शन कमीशन डिप्लॉयज सेवरल ऑफिसर्स फॉर द पर्पज ऑफ काउंटिंग वोट्स। इलेक्शन कमीशन कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट करती है, ठीक है, काउंटिंग वोट्स के लिए, ठीक है, सिक्योरिटी वर्क के लिए। एट दैट टाइम ऑफ काउंटिंग द कैंडिडेट्स एंड देयर एजेंट्स आर अलाउड टू बी प्रेजेंट इन द काउंटिंग हॉल। अब उस टाइम पे जो काउंटिंग होती है जब, तो कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स, उनको अलाउ कर दिया जाता है कि वो प्रेजेंट रहें इन द काउंटिंग हॉल, ठीक है, सो दैट दे कुड सी वेदर काउंटिंग इज डन विदाउट एनी काइंड ऑफ बायस, कि जिससे वो देख सकें, एग्जामिन कर सकें कि अच्छी तरीके से काउंटिंग हो रही है कि नहीं। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट और डाउट, अगर कोई डाउट होता है, डिस्प्यूट होता है, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जब डिक्लेरेशन हो जाती है रिजल्ट की, एवरी विनिंग कैंडिडेट इज गिवन अ सर्टिफिकेट, ठीक है, हर एक कैंडिडेट को, विनिंग कैंडिडेट को सर्टिफिकेट दिया जाता है बाय द रिटर्निंग ऑफिसर्स, रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा, सो दैट ही कुड टेक ओथ विद दिस, जिससे कि वो शपथ ले सकें। Now, political parties. A political party is an association of the like-minded people. Political party एक association बोल सकते हैं या group बोल सकते हैं, like-minded people एक जैसे mentality वाले लोगों की या फिर person की, who have the same ideology, opinion on social, economic and political activities. जिनकी जो thinking होती है, ideology होती है, socially, economically और political activities में एक जैसी होती है, उनका एक एसोसिएशन बनता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज टू विन एज मैनी सीट एज पॉसिबल, और जो ऑब्जेक्टिव या एम कह सकते हैं हर एक पॉलिटिकल पार्टी का होता है, वो ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतना, टू फॉर्म द गवर्नमेंट, जिससे कि वो गवर्नमेंट बना सकें।
ठीक है, दे वोट्स एक्चुअली सिम्बलाइजेस द पब्लिक ओपिनियन, और उनके वोट्स एक्चुअली सिम्बलाइज करते हैं पब्लिक ओपिनियन को या फिर ओपिनियन ऑफ पीपल, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, जिसके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाते हैं एक गवर्नमेंट बनाना बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ अ रोल टू प्ले इन अ हेल्दी डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जिससे हेल्दी वे में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रन करे। इट हैज़ अपहोल्ड सर्टेन लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक मीन्स टू सर्व द नेशन, इनके कुछ लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल या डेमोक्रेटिक मीन्स होते हैं जिससे कि ये नेशन को सर्व करें, उसके अकॉर्डिंग काम करें, रूल्स होते हैं इनके लिए भी। द सोल पर्पज ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज टू वर्क फॉर नेशनल इंटरेस्ट, और जो मेन होल सोल पर्पज होता है हर एक पॉलिटिकल पार्टी का वो ये होता है कि वो काम करे नेशनल इंटरेस्ट मीन सभी सभी के हित के लिए काम करे, एंड शुड नेवर रिजॉर्ट टू वायलेंस और ऑफ एनी काइंड और माल प्रैक्टिस, और किसी भी तरह के वायलेंस मीन्स हिंसा में इन्वॉल्व ना हो। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द पॉलिटिकल पार्टीज हैव अ स्पेशल रोल, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ठीक है पॉलिटिकल पार्टीज का स्पेशल रोल होता है, सो दैट द वेलफेयर ऑफ द पीपल एट लार्ज शुड नॉट बी डन अवे विथ, जिससे कि लोगों की भलाई के लिए ही काम किया जाए। द पॉलिटिकल पार्टीज हैव सेवरल फंक्शंस एज अंडर, अब इनके कुछ फंक्शंस होते हैं, इनके कुछ काम होते हैं ठीक है पॉलिटिकल पार्टीज के। पहला है द मेन फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज टू मेंटेन द मेजॉरिटी, जो मेन फंक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टी का वो ये होता है कि मेंटेन करके रखना है मेजॉरिटी को बाय विनिंग द इलेक्शन फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंसीज एंड फ्रॉम द गवर्नमेंट, और जिससे कि वो इलेक्शन जीत जाएं और एक गवर्नमेंट फॉर्म कर सकें। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज गिव टिकट्स टू ओनली दोज कैंडिडेट्स हु कैन विन फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसीज, सारी पॉलिटिकल पार्टीज उन्हीं कैंडिडेट्स को टिकट्स देती हैं जो उनके लिए जीत सकते हैं। द पॉलिटिकल पार्टी हैज़ टू अप्लाई इट्स माइंड टू सेलेक्ट द राइट कैंडिडेट फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसलिए उनके लिए ये मेन चीज़ हो जाती है कि उन्हें उसी पर्टिकुलर सही कैंडिडेट को ही चूज़ करना है। द पॉलिटिकल पार्टीज एट द टाइम ऑफ इलेक्शन होल्ड पब्लिक मीटिंग, ये पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के टाइम पे पब्लिक मीटिंग करती हैं, डिमॉन्स्ट्रेशंस एंड प्रोसेशन एक्सेट्रा, डेमोज करती है ठीक है, सो दैट दे कुड नो द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम, जिससे कि वो लोगों की प्रॉब्लम्स जान सके और ये प्रॉमिस कर सके कि हम सॉल्व करेंगे लेटर जब वो जीत जाएंगे तो। एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ टू स्टडी द ओपिनियन, सही पॉलिटिकल पार्टी को ओपिनियन को अच्छे से जानना होता है, सो दैट इट कुड सर्व इट इफ इट कम्स टू पावर, जिससे कि वो काम कर सकें जब वो पावर में आ जाएं, जीत जाएं, एंड टू क्रिटिसाइज एंड कीप अ चेक, और उन चीज़ों का उल्लंघन करें और एक चेक रख सकते हैं, एंड कंट्रोल ओवर अदर रूलिंग पार्टी, और दूसरी रूलिंग पार्टी क्या कर रहे हैं उस पर नज़र रख सकते हैं इफ़ इट डज नॉट कम टू पावर, जब वो पावर में नहीं आए तो। पार्टी सिस्टम, देर आर वेरियस पार्टी सिस्टम प्रिवेलिंग इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग तरीके के पार्टी सिस्टम हैं ठीक है अलग अलग कंट्रीज में पूरे विश्व में। इन फैक्ट देयर आर वन पार्टी सिस्टम और टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम, या तो फिर वन पार्टी सिस्टम होता है या टू पार्टी सिस्टम होता है या मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज सिंगल पार्टी सिस्टम इफ अ कंट्री इज गवर्न बाय वन पार्टी, अगर कोई कंट्री एक पार्टी के द्वारा गवर्न की जा रही है ठीक है तो वो सिस्टम कहलाता है सिंगल पार्टी सिस्टम विदाउट एनी अदर कम्पीटिंग पार्टी, जिसका कोई अदर दूसरा कम्पीटिंग पार्टी नहीं है इट इज़ कॉल्ड एज वन पार्टी सिस्टम। क्लियर, द वोटर्स डोंट हैव चॉइस इन सच अ पार्टी सिस्टम, इसमें क्या होता है वोटर्स के पास चॉइस नहीं होती है इस तरह के पार्टी सिस्टम में। दिस इज़ द मोस्ट डेमोक्रेटिक इन नेचर, ये सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक नेचर का होता है, सिंस द वोटर्स हैव द चॉइस इन इलेक्टिंग द बेस्ट पार्टी, क्योंकि वोटर्स के पास चॉइस होती है बेस्ट पार्टी को चूज करने की आउट ऑफ टू अवेलेबल ऑप्शन, दो अवेलेबल ऑप्शन में से। इन दिस सिस्टम व्हेन टू पार्टीज कंटेस्ट, इस सिस्टम में दो पार्टीज कंटेस्ट करती हैं विथ ईच अदर देन वन पार्टी इवेंचुअली विंस, और जिसमें से होता यह है कि एक पार्टी जीत जाती है एंड द अदर लूजेस एंड सिट्स इन द अपोजिशन, और दूसरी हार जाती है और अपोजिशन में बैठ जाती है, तो ये क्या है डबल पार्टी सिस्टम है। नाउ द पार्टी हु विंस द इलेक्शन मेक द गवर्नमेंट, अब जो पार्टी जीती होगी वो गवर्नमेंट रन करेगी, एंड अदर पार्टी हु लूजेस कैन कीप अ चेक एंड कंट्रोल बाय प्लेइंग द कंस्ट्रक्टिव रोल बाय सिटिंग इन द अपोजिशन, और जो दूसरी पार्टी हारी है
वो विनिंग पार्टी पे चेक रख सकती है, ठीक है, जिससे कि सारी चीज़ें प्रॉपर वे में हो रही हैं या नहीं, क्लियर। एज फार एज पॉलिटिकल सिनारियो ऑफ इंडिया इज कंसर्न, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में पॉलिटिकल सिनारियो कंसर्न है, डेमोक्रेसी है इंडिया में, देयर इज एन एरा ऑफ मल्टीपल पार्टी सिस्टम, इसीलिए यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है। देयर इज नो सिंगल पार्टी हु कैन हैव क्लियर मेजोरिटी, कोई एक पार्टी नहीं होती इसमें जिसके पास पूरी मेजोरिटी आए दीज डेज। सो मल्टी पार्टी सिस्टम कैन बी एक्सप्लेन एज इफ देयर आर मोर देन टू पार्टीज, इसीलिए मल्टी पार्टी सिस्टम वो जिसमें एक से दो से ज़्यादा पार्टीज हों तो वो मल्टी पार्टी सिस्टम कहलाती है। सो पीपल हैव टू मेक अ चॉइस अमंग सेवरल कैंडिडेट्स, तो इसमें होता यह है कि लोगों के पास बहुत सारे चॉइस रहते हैं जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनमें से इलेक्ट करने के लिए, ठीक है। दिस सिस्टम गिव राइज टू कंसेप्ट ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट, इस सिस्टम की वजह से एक कॉन्सेप्ट का इम्फेसिस में आता है, वो कॉन्सेप्ट वो है कोलिजन गवर्नमेंट। जब दो या दो से ज़्यादा पार्टीज विल फॉर्म अ गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगी इन द पार्लियामेंट, बट इन अ कोलिजन गवर्नमेंट इफ देयर अराइजेज अ लिटिल डिसएग्रीमेंट, लेकिन इस तरह के गवर्नमेंट में होता यह है कि अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट किसी पक्ष में कोई डिसएग्री है इज अलाइंड पार्टी द गवर्नमेंट इज लाइकली टू फॉल, पार्टीज में तो गवर्नमेंट क्या हो जाती है, गिर जाती है इनकी। पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, टुडे देयर इज मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया, अब यहाँ इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो होता है सिंस इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो इलेक्शन के लिए एज ए कैंडिडेट होती हैं, इन विच सम ऑफ देम आर बिग, इसमें से कुछ पार्टीज बड़ी होती हैं और कुछ स्मॉल होती हैं, ठीक है, सम आर वेरी स्मॉल पार्टीज। द बिग पार्टीज हैव मेजर रिकॉग्निशन, जो बिग पार्टीज हैं उनकी रिकॉग्निशन ज़्यादा होती है, और स्मॉल पार्टीज हैव ओनली रीजनल इन्फ्लुएंस, और जो स्मॉल पार्टीज होती हैं उन्हें सिर्फ रीजनल वाइज मतलब लोकली इन्फ्लुएंस होती है उनकी। द पार्टीज लाइक कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी, समाजवादी पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी आर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, ये सब क्या है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, इनका ज़्यादा इफेक्ट है, ठीक है, रिकॉग्निशन है इनका ज़्यादा थ्रू आउट द कंट्री, क्लियर। नाउ इफ अ पार्टी इज रिकॉग्नाइज बाई इलेक्शन कमीशन, अगर कोई पार्टी रिकॉग्नाइज या मीन जाना जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, हैविंग इट्स बेस इन फोर और मोर स्टेट, जिसकी बेस दो या से ज़्यादा स्टेट्स में है, इट इज़ कॉल्ड नेशनल और ऑल इंडिया पार्टी, इसको इस तरह की पार्टीज को, लार्ज पार्टीज को, ठीक है, उनको कहते हैं क्या, नेशनल या फिर ऑल इंडिया पार्टी। द नेशनल पार्टीज हैव डिफरेंट सिस्टम ऑफ देयर ओन, और जो नेशनल पार्टीज होती हैं उनकी अलग अलग सिस्टम होती है, ठीक है, ऑफ देयर ओन रीजनल पार्टीज। द पॉलिटिकल पार्टीज विच हैव देयर इन्फ्लुएंस इन वन और टू स्टेट्स, अब रीजनल पार्टीज मीन्स स्मॉल पार्टीज जो होती हैं, ठीक है, उनका इन्फ्लुएंस एक या दो स्टेट में ही रहता है, आर डिक्लेयर्ड एज रीजनल पार्टी, इन्हें रीजनल पार्टीज कहते हैं बाय इलेक्शन कमीशन। नाउ इंडिया हैज़ लार्ज नंबर ऑफ रीजनल पार्टीज, इंडिया में बहुत सारी रीजनल पार्टीज हैं, जैसे कि शिरोमणि अकाली दल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रीजनल पार्टी इन इंडिया। नाउ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो अ रीजनल पार्टी, ये भी क्या है, रीजनल पार्टी है। डी एम के ऑफ तमिलनाडु इज ऑल्सो वन ऑफ द वेल नोन रीजनल पार्टी, ठीक है, ये तमिलनाडु की पार्टी है डी एम के। असम गना परिषद इज अ रीजनल पार्टी ऑफ असम। रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया जैसे लोकतांत्रिक देश में द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो अपोजिशन का रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिंस द अपोजिशन प्ले कंस्ट्रक्टिव रोल इन पार्लियामेंट, क्योंकि अपोजिशन एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करती है पार्लियामेंट में बाय कीपिंग चेक एंड कंट्रोल ओवर द रूलिंग पार्टी, ये क्या करती हैं, चेक रखती हैं, ठीक है, चेक करती हैं कि पर्टिकुलर रूलिंग पार्टी जो रूल कर रही है उस टाइम गवर्नमेंट को, वो ढंग से काम कर रही है कि नहीं। इन अ डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इट इज़ वेरी एसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी होता है दैट द अपोजिशन शुड बी एक्टिव, कि अपोजिशन पार्टी एक्टिव हो इनफ टू रिस्ट्रिक्ट द रूलिंग पार्टी, जिससे रूलिंग पार्टी को वो रिस्ट्रिक्ट कर सके टू डू एनी थिंग रॉन्ग, कि वो कोई चीज़ गलत ना कर रही हो, विच इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, जो पूरे नेशन के हित में ना हो। द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी इज़ टू चेक आउट मिस्टेक, जो रोल होता है अपोजिशन पार्टी का वो ये होता है कि वो चेक करती है मिस्टेक्स को,
एंड रॉन्ग डूइंग, और गलत चीज अगर हो रही है रूलिंग पार्टी के द्वारा तो इट इफ ऑपोजिशन प्लेज अ स्ट्रॉन्ग रोल इन द पार्लियामेंट, अगर ऑपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग रोल निभाती है इस तरह से पार्लियामेंट में, द रूलिंग पार्टी विल वर्क प्रॉपरली इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो इससे जो रिजल्ट होगा वो रूलिंग पार्टी क्या करेगी, अच्छे से काम करेगी, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए। थैंक यू एवरीवन।